मैंने आपको बताया था ऑर्गेनेल्स के बारे में बता रही थी कि सेल जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब आप बोर्ड पर देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने दो सेल्स बनाए हुए हैं, एक है एनिमल सेल्स और है एक प्लांट सेल। सेल मैंने बोला था बहुत छोटा सा होता है, हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आता तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए ये एक एनिमल सेल है। अब ये सेल इसके अंदर ये छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं, इन्हें ऑर्गेनिल्स कहते हैं। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, किस तरह से ये थोड़ा इरेगुलर इन शेप नज़र आएगा और ये एक प्रॉपर शेप में नज़र आ रहा होगा। तो इनके कुछ ऑर्गेनिल्स हैं जिनकी वजह से ये सेल हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। चलिए हम ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करते हैं। वैसे तो इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन आपके लेवल आपकी बुक के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ मेन ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो एनिमल की आउटर कवरिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, ये किस काम आती है? आप जब स्कूल आते होंगे आपने गेट पे देखा होगा एक गेट कीपर बैठा हुआ होता है, उसका क्या काम होता है कि वो कोई अननोन बंदा स्कूल में अंदर आने नहीं देता और स्कूल टाइमिंग्स में आपको स्कूल से बाहर जाने नहीं देता। तो इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अननोन चीज़ों का आपके सेल के अंदर इंटर नहीं होने देती और ना ही सेल से बाहर किसी को जाने देती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे सेल की आउटर कवरिंग होती है और ये एज अ गेट कीपर काम कर रही होती है हमारे सेल के अंदर। सेकेंड थिंग है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। क्या काम करता है? जैसे हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल को जो कंट्रोल करता है वो है न्यूक्लियस। थर्ड पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जैली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, जो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं इनको आपस में टकराने नहीं देता। तो ये जैली लाइक सब्सटेंस है, ये और तमाम ऑर्गेनेल्स को आपस में टकराने से रोकता है। अब एनिमल सेल्स के अंदर एक और मेन ऑर्गेनेल्स है जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? वैक्यूल जो है फूड और वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी देता है सेल को। अब अगर आप प्लांट सेल में देखें तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है, मैंने शो करा हुआ है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, ये तीन चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन वैक्यूल भी है। लेकिन मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है और वो होता है लार्ज इन साइज, वो बड़ा होता है। वन वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा इन फोर चीज़ों के अलावा प्लांट सेल के अंदर दो और चीज़ें मौजूद हैं, एक है सेल वॉल और है क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल, वॉल किसे कहते हैं? दीवार को। दीवार क्या काम करती है? आपके किसी भी कमरे को, आपकी क्लासरूम को एक शेप देती है। तो इसी तरह जब भी जो है आपको प्लांट सेल जो है एक प्रॉपर शेप में नज़र आ रहा होगा, जबकि एनिमल सेल जो है वो इरेगुलर इन शेप हमें नज़र आता है। तो प्लांट की शेप किसकी वजह से बनती है? विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, तो वो उसको एक शेप देता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा आपने क्लास फोर में पढ़ा है क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या होता है? जो हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल प्लांट की फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो क्लोरोफिल किस चीज़ से मिलकर बनता है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये वो सेल्स हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्लोरोफिल फॉर्म करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल सेल अपना खाना प्रिपेयर नहीं करता, वो जो है वो डिपेंड करता है दूसरों पर।
प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है तो उनके अंदर एक ख़ास चीज़ मौजूद होती है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसकी मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सही है, आपको इन दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, हाउ लॉन्ग डज अ सेल लिव, सेल कितने लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स कहाँ पर होते हैं, हमारी टंग के ऊपर मौजूद हैं, जो सिर्फ 7 डेज तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। और उसके अलावा दूसरे सेल जो हैं, ये नहीं है कि अगर वो मर गए तो ख़त्म, नहीं, उसकी जगह दूसरे टेस्ट बड्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हमारा खून बनाने का काम करते हैं और इस ये सेल्स जो हैं हमारे 4 मंथ तक जो है वो जिंदा रहते हैं, लाइफ रहते हैं। उसके बाद आते हैं नर्व सेल्स, नर्व सेल्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स हमारा ब्रेन फॉर्म करते हैं, हमारा दिमाग बनाते हैं और ये सेल 18 साल से 130 साल 130 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं।